प्रधानमंत्री मोदी जी रेडियो पर आकर अपने मन की बात करते हैं, क्या कभी हमारे मन की बात सुनते हैं? अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं बदलेगा मुकद्दर उसका जिस सुदामा को आपसा घनश्याम मिल जाए। अब जब तक ये अटेम्प्ट मिलेगा नहीं तब तक हम ये जो है क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। ये फाइल्स देख रहे हैं आप, ये वो फाइल्स हैं जो यूपीएससी स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं सरकार को अलग अलग मौकों पर लिखी, और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी वक्त से लिखते चले आ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या मांग है। जी क्या नाम है आप? मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैडम हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बीच में कोरोना का पीरियड आया, 2020 और 21 पूरी तरीके से कोरोना के गिरफ्त में चला गया, और इसमें उस समय की जो स्थितियाँ थी इससे कोई किसी, ये सारे पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं गंगा में तैरती लाशों को किसने नहीं देखा है। उस समय सरकार हमसे एक्सपेक्ट कर रही कि हम तैयारी करके और एग्ज़ाम में दे और एग्ज़ाम को क्रैक भी करें। हम लोग पिछले 5 साल 7 सालों से लगे हुए थे, हमारा ये सपना था, हम इसे लेकर के सोते थे जगते थे। कोरोना महामारी ने हमारे उस सपने को छीना है, अब न तो हम सही से जी पा रहे हैं नंबर पा रहे हैं। इसलिए हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि मोदी जी आपने हर सेक्टर हर वर्ग को राहत पहुँचाई है, तो स्टूडेंट वर्ग जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं उनको क्यों नहीं, हमारी क्या गलती है? आपने 10th वाले बच्चों को बिना एग्जाम का पास कराया, 12th वाले को बिना एग्जाम का पास कराया, यूजी पीजी वाले को प्रमोट किया गया, नेट जीआरएफ वाले को एक्सटेंशन मिला, अभी हाल ही में आर्मी के अभ्यर्थियों को 2 साल का एक्सटेंशन मिला, जहां आर्मी में एज क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर आर्मी में फिजिकल फिटनेस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन 21-23 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाई गई एज, 19 वर्ष तक तो एनडीए की भी डेट रहती है, उसको भी आप 23 वर्ष कर रहे हैं, उसमें भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस तो अगर आर्मी के लिए देखा जाए सबसे बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे हमारे लिए ही क्यों ऐसा हुआ कि आपने एज का रिस्ट्रिक्शन कर दिया? आपने एक बोल दिया कि 32 साल तक की एज के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस साल मेरा भी खत्म हुआ, मैं 2020 वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाई। आपकी जो एज लिमिट आपने यहाँ से लगाई, आपने 3rd अगस्त से लगा दी, आपने अगस्त में लगाने के बाद में मेरा डेट ऑफ बर्थ जो आपका रहता है वो जून का रहता है, केवल 2 महीने के बेसिस के ऊपर मैं इस अटेम्प्ट को पूरा नहीं कर पाई। इसके वजह से पूरे साल आप कह रहे हो कि भाई कोरोना के टाइम पर सभी ने फेस किया, किसी के घर में प्रॉब्लम है, कोई बच्चे इतने भी थे कि जिन्होंने, मैं खुद थी ऐसी कि जिसमें मेरे को फीवर हो रखा था, 4th दिन था मेरा जिसमें कोविड मेरे को जब हुआ था, उस समय पर भी उस कंडीशन के अंदर बैठ के मैंने पेपर लिखा है। आई वॉज नॉट मतलब एबल टू वॉक प्रॉपरली, सेंस प्रॉपरली, किसी चीज़ को सोच नहीं पा रहे, उस हालत में किसी ने पेपर दिया, आप सोच सकते हैं उसकी हालत क्या थी। बहुत लोग इस चीज़ पर ये भी बोलेंगे कि भाई प्रिपरेशन तो आप पूरे 1 साल से कर रहे थे, 1 साल से माहौल आपने भी देखा था, किसी के घर में रोज़ डेथ हो रही थी, 3 डेथ मेरे घर में हुई हैं, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स अगर आप कह सकते हो सेम फैमिली के अंदर, आप सोच सकते हो उस समय पे उस कंडीशंस में जहाँ पे आपको प्रिपरेशंस के लिए आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है। चलिए हम फिर भी मान सकते हैं कि हम ऐसी जगह पे रह रहे थे जहाँ पे बच्चों को फिर भी इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले सारे उस समाज से तो नहीं आते जिनको हर चीज़ की प्रिविलेज मिल जाती है। बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके लिए वो प्रिविलेज नहीं थी, कुछ गाँव से थे जिनको कोविड के टाइम पर अपने गाँव वापस जाना पड़ा, घर वापस जाना पड़ा, क्या वहाँ पर इंटरनेट था, क्या वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ थे, क्या वहाँ पे बुक्स थे, नोट्स थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी, बच्चे वहाँ पे किस तरीके से प्रिपेयर करते? हम केवल अपने लिए मांग नहीं कर रहे, हम अपने जैसे उन सबके लिए मांग कर रहे हैं जिसने इस कोविड पीरियड के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें फेस करी, जिनमें आप सब चीज़ों को रिलैक्सेशन दे रहे हो। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो, आप हमें रैंक दे दो। हम ये मांग रहे हैं कि हमें अपनी जो हमारी क्वालिटी है उसको प्रूव करने का एक मौका तो दिया जाए। तो यहाँ स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे। सुभाष जी सर ये बताइए कि ये क्या फाइल्स हैं और ये जो चिट्ठियाँ आपने सरकार को लिखी हैं ये वहाँ कहीं ऐसे ही पड़ी हैं या कुछ हुआ भी है इसका? ये वो चिट्ठियाँ हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके माननीय सांसदों के द्वारा लिखी गई है। पिछले 1 सालों से हम लोग लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को छोड़ करके बाकी सारे केंद्रीय मंत्रियों और आधे से अधिक सांसदों से मिल चुके हैं, लेकिन इन चिट्ठियों का भी कोई जवाब नहीं आ रहा है पीएमओ से, क्योंकि जवाब देने के लिए कोई ठोस ग्राउंड चाहिए, तो सरकार के पास एक्स्ट्रा अटेम्प्ट न देने के लिए कोई ठोस ग्राउंड नहीं है, इसलिए इन चिट्ठियों का भी जवाब देने से सरकार बचना चाह रही है। किन किन को आपने चिट्ठियाँ लिखी, किसी से बात हो पाई किसी मंत्री से?
हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी से मिल चुके हैं, खुद जो कंसर्न मिनिस्टर है डीओपीटी के जितेंद्र सिंह जी उनसे भी मिल चुके हैं, जी किशन रेड्डी जी से हम लोग मिल चुके हैं, अनुप्रिया पटेल जी से मिल चुके हैं। उनका ऐसी क्या दिक्कत है जी? सारे लोगों की सिंपैथी हमारे साथ है, मतलब सिंपैथी साथ है या और भी कुछ अटेम्प्ट है कि नहीं, मेन बात वो। सारे लोग यही बोलते हैं कि हमारी पूरी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। किसी सिंपैथी से आपको अटेम्प्ट मिल जाएगा क्या? बिल्कुल, हमें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें अटेम्प्ट चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी दे पाएंगे, लेकिन उनसे तो मिलना ही मुश्किल है। हम पिछले 4 महीनों से उनके पीए से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम और एड्रेस लिख लिया जाता है, बताया जाता है कि आपको सूचित किया जाएगा, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, तो लेकिन मिल ही नहीं पाते, वो पता नहीं वो फोन कब आएगा जी। अभी 3 दिन पहले हम पीएमओ गए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए थे अपनी एप्लीकेशन को वहाँ देने के लिए। ठीक है, आपके रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस है कि आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे दी, हम वहाँ पे एप्लीकेशन देकर आए, लेकिन उस एप्लीकेशन का अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया है, और किसी भी रिप्लाई का अभी तक हमें लग भी नहीं रहा कि आएगा। अगर वो एप्लीकेशन इस तरीके से आपने चैनल बना रखा है कि उस चैनल के थ्रू हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, तो वो चैनल का रिप्लाई भी तो आना चाहिए। आप रिप्लाई के लिए आप बाकी सारी चीज़ उसके लिए कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल चीज़ों के लिए कर रहे हैं, आप इंटरनल चीजों के लिए कर रहे हैं। यूपीएससी के बच्चे 2020 से आपसे इस चीज की मांग कर रहे हैं कि आप उनके लिए वो अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन अब तक किसी के भी कान में कोई सुनवाई नहीं हुई है, किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई, कोई ठोस एक जो काम होना चाहिए उस चीज के मुद्दा अभी तक कोई नहीं उठाया गया है। कैमरा पर्सन रंजीत से गुजारिश करेंगे कि जरा ये दिखाएं छात्र क्या कह रहे हैं। एम्पैथी कॉस्ट नथिंग बट इज प्राइसलेस, शो सम एम्पैथी एंड ग्रांट अस कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट। तो एक ही मांग है यहाँ पर साफ तौर पर स्टूडेंट्स की, और जो लोग हैं यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मैं मैशल गौरव चौधरी, बागपत यूपी से हूँ। मैं मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रेडियो पर आकर अपने मन की बात करते हैं, क्या कभी हमारे मन की बात सुनते हैं? और डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट साफ साफ उसकी अनुशंसा कर रही है कि छात्रों को 2 साल कोई डिटेंशन अटेम्प्ट मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो हमारा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, तो फिर देर क्यों, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते क्या हैं? हम लोग कहाँ जाएँ? जाए तो कहाँ जाएँ? हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत एफर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि हमारा की मांग कोई न्यायसंगत मांग नहीं है, न्यायसंगत मांग है, और न्यायसंगत मांग है तभी सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो फिर हम लोगों का मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारा आग्रह है कि हमारी मांग को मानिए और हमें कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट दीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन हम लोगों को मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? जी मैम, हमारा कहना है मोदी जी से 4 लाइन उनके लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि बाकी तो हमारे मित्र लोग बोल ही चुके हैं, सारी बातें यही हो रही हैं। हम लोग से जो सपना छीन लिया गया, हम लोग सुदामा जैसी स्थिति में आ गए, हमारे पास अब कुछ नहीं रहेगा, ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। तो मोदी जी को हम 4 लाइन कहना चाहते हैं, उस पर विचार करें। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं बदलेगा मुकद्दर उसका, जिस सुदामा को आपसा घनश्याम मिल जाए। अब जब तक ये अटेम्प्ट मिलेगा नहीं, तब तक हम ये जो है क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं तमाम जो परिस्थितियां बनी उसके बावजूद भी भरोसा जरूर है इन सभी स्टूडेंट्स को। और यहाँ मैं लगातार कह रही हूँ, अच्छी बात ये है कि बड़ी पीसफुली ये सभी स्टूडेंट जो है वो बात कर रहे हैं, और भी स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है, मैं कर्नाटक से हूँ। मैम मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ, फर्स्ट थिंग ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं है, कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट। जैसे कि जब कोविड के टाइम पे जिसे नुकसान हुआ, सरकार वन और द अदर वे सबको कॉम्पेंसेशन दिए, पूरा मिला एक एक को, पूरा मिला एक एक को, पार्शियल मिला, बट स्टूडेंट कम्युनिटी है किसी ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किए। हमारे जैसे कि यूपीएससी के बच्चों ने कब से मांग रख रहे, एसएससी के बच्चे, नीट के बच्चे, मैं सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि जब छोटी छोटी चीज़ों पर महीना भर डिस्कशन चलती है पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि बच्चों का जो है यूपीएससी के बच्चे स्पेशली जब स्ट्रगल किए हैं, वो लोग का सफरिंग फेस किए है, तो आज तक अंधे क्यों है? और जो ये बोलते हैं कि लड़कियों का एज बढ़ाना है, द मैरिज जो भी एज है, जो हमारा ऑलरेडी मैम हमारे घर में अपॉर्चुनिटीज दिए हैं एंड हम हमारे बेस्ट दिए हैं, बिकॉज ऑफ कोविड हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिला। जैसे नहीं कि बस हम सफ़र किए, पूरा दुनिया में इट वाज लाइक अ वेरी सीवियर सिचुएशन, जिधर हम हमारा जो भी कर रहे थे, तो वी कांट रीच द डेस्टिनेशन। तो सरकार को हमारा यही मांग है कि हमें अटेम्प्ट मिलना चाहिए, नॉट एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एंड अ कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट वेयर वी लॉस्ट एन अवर अपॉर्चुनिटी ऑफ 2 ईयर्स। एंड ये भी है, जब तक हमारा अटेम्प्ट नहीं मिलता हम छोड़ेंगे नहीं,
हमारी सरकार को, हम ऐसे ही रहेंगे। और सरकार को अगर लगता है कि ओके बच्चे आते हैं बैठते हैं और जाते हैं, स्नैक वगैरह खाते हैं, ऐसे कुछ नहीं, हम इसलिए शांत है ताकि हम यूपीएससी के बच्चे हैं, हम मैच्योर्ड हैं, हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। जब हम ग्राउंड में मतलब सिचुएशन समझ नहीं सकते, लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट को पोर्ट्रे नहीं कर सकते, तो सरकार तब भी समझ में नहीं आती, तो हमें वायलेंट तरीके अपनाना पड़ेगा और हम अपनाएंगे। जब हमारे ज़िंदगी के नॉर्मल 60 ईयर्स जो जीते हैं, 30 ईयर्स वी गेव आर बेस्ट, उसके बाद भी हमें सरकार नोटिस नहीं किए, अटेम्प्ट नहीं दे रहे, तो हम वायलेंट तरीके भी अपनाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसमें एक दर्द भी है और सरकार के लिए ललकार भी है कि टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। संविधान का आर्टिकल 16 जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कहता है, उसका भी यहाँ वायलेशन हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार को प्लीज़ इस बात को मानिए, हम लोग गांधीयन मेथड से अपना नॉन वायलेंट एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों की बात सुनिए, हम लोग यहाँ 2 साल से संघर्षरत हैं, प्लीज़ हमारे लोगों को माननी चाहिए।